देखो अपडेट के बाद फ्री फायर ने क्रोनो का एबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव करने के बाद अभी बंदे क्रोनो को फिर से यूज करने लगे हैं। एंड नो डाउट क्रोनो अभी के टाइम पर एक बेस्ट ऑप्शन भी बन चुका है। तो अगर तुम्हें बाकी बंदों से दो कदम आगे रहना है तो क्रोनो का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। नो मैटर तुम क्लास कोड प्लेयर हो या फिर ज्यादा फुल मैप खेलते हो, तुम्हारे लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन एक ऑलराउंडर कॉम्बो होने वाला है जिसमें हम लोग क्रोनो के बाद जो सेकेंड कैरेक्टर यूज करेंगे वो है जोसेफ। अरे और कितना बताऊं जोसेफ के बारे में, जोसेफ को अपने कॉम्बो में रखने से ये आपको बहुत सारे कैरेक्टर स्किल से बचा सकता है। लाइक जोसेफ को यूज करने से ये सारे कैरेक्टर्स होमर, A124, मोको, सिरू, ओथो, राइडन, सेंटिनो, रफाइल आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। एंड ऊपर से जोसेफ आपका 10% मूवमेंट को भी बढ़ा देता है 5 सेकंड के लिए। ओके नेक्स्ट जोसेफ के बाद इस कॉम्बो में हमें रखना है रफाइल। देखो रफाइल को यूज करने का दो मेन फायदा है। पहला, ये मार्क्समैन राइफल लाइक उडपीकर, SKS, SVD एंड स्नाइपर लाइक ओम हो गया, M82 भी हो गया, इसमें साइलेंसर लगा देता है जिससे आप बंदे को साइलेंटली छुपकर मार पाते हो। एंड ये वो रीजन नहीं है जिसके वजह से रफाइल मेरा फेवरेट है। रफाइल का एक और एबिलिटी है जिससे होगा ये, अगर आप मार्क्समैन राइफल लाइक उडपीकर जैसी गन्स एंड स्नाइपर से किसी बंदे को नॉक डाउन करोगे तो उसका बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नॉक होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको 85% बढ़ा देता है जिससे रफाइल के गोली से नॉक डाउन होने वाला बंदा बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है जिससे आपका किल भी रिवाइव नहीं हो पाता है। ओके नेक्स्ट रफाइल के बाद इस कॉम्बो में हमें रखना है उल्फ्रा कैरेक्टर। अभी देखो उल्फ्रा का एबिलिटी बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम उल्फ्रा को यूज करोगे तो ये क्या करता है, आपके हेड के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 30% कम कर देता है। मतलब अगर कोई चिमकांडी बंदा आपको हेडशॉट मारता है तो आपके ऊपर 30% कम डैमेज पड़ेगा। एंड इतना नहीं, अगर आपके पास उल्फ्रा है तो आप जब एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो वो बेचारे को 30% ज्यादा हेडशॉट का डैमेज लगेगा। मतलब उल्फ्रा आपको सामने से पड़ने वाला हेडशॉट से बचाएगा एंड आप जब एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उनको ज्यादा डैमेज देगा। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन के तरफ। एंड ये वाला कॉम्बिनेशन में क्रोनो के बाद सेकंड कैरेक्टर रहेगा हयातो कैरेक्टर, क्योंकि ये कॉम्बो होने वाला है रसर्स प्लेयर्स के लिए जो बंदे रस करके गेम प्ले करते हैं। तो यार हयातो को रखने का फायदा ये है, ये एक इलाइट कैरेक्टर होने के वजह से इसका दो एबिलिटी है। सबसे पहला, अगर आप हयातो को यूज करोगे तो ये फ्रंटल डैमेज यानी सामने से आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को कम कर देता है। एंड इसका सेकंड एबिलिटी जो है उसके वजह से प्रो प्लेयर्स रस करने के लिए हयातो को अभी भी बेस्ट मानते हैं। एंड वो एबिलिटी है, हयातो के ऊपर थोड़ा सा डैमेज पड़ने के बाद ये जब भी गोली चलाता है इसका गोली एनिमी के वेस्ट को चीर कर सीधा उसके बॉडी पर लगता है। हयातो आर्मर को पेनिट्रेट कर पाता है जिससे एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। एंड खास इसलिए हयातो रसर्स का फेवरेट कैरेक्टर है। ओके हयातो के बाद इस कॉम्बो में हमें एक ऐसा कैरेक्टर रखना है जिसके वजह से आप ज्यादा हेडशॉट मार पाओगे, एंड वो कैरेक्टर है लूना। देखो लूना कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले आपका गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देती है, चाहे तुम्हारे पास कोई भी गन क्यों ना हो। लूना अगर लेकर तुम खेलते हो तो तुम नोटिस करोगे पहले से तुम्हारा ज्यादा हेडशॉट लगेगा, क्योंकि यार सिंपल बात है ज्यादा रेट ऑफ फायर होने से इजीली हमारा हेडशॉट लग जाता है। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जेबिप्स। देखो इसका भी बड़ा सिंपल एबिलिटी है, अगर आप जस्टिन बीबर कैरेक्टर को यूज करते हो ये कैरेक्टर ईपी का यूज करके आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 12% यानी 12% कम कर देता है। एंड आपके आसपास के टीममेट से ये ईपी ले सकता है अगर एनिमी उनको डैमेज देता है, एंड उस ईपी से आपको एनिमी के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। एक रसर के लिए ये एक मस्ट हैव कैरेक्टर है। तो ये कॉम्बो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताना, एंड ये भी बताना आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। ओके नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन फुल मैप प्लेयर्स के लिए है। देखो इसमें क्रोनो के बाद हमें यूज करना है मारो कैरेक्टर। मारो को यूज करने का रीजन ये है, देखो फुल मैप में हम लोग ज्यादातर लॉन्ग रेंज पर फाइट लेते हैं, एंड यार दिक्कत ये होता है लॉन्ग रेंज पर डैमेज हमारा कम हो जाता है। तो मारो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका यूज करने से बंदा आपसे जितना दूर जाएगा उसके ऊपर उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो लॉन्ग रेंज फाइट में मारो एक बेस्ट ऑप्शन है। मारो के बाद थर्ड स्लॉट में हमें रखना है लुकेटा। लुकेटा क्या करता है, हमारा HP स्लॉट को 200 से 250 कर सकता है। आपको सिंपल दो किल करना है एंड आपका HP स्लॉट 200 से 250 हो जाएगा। एंड अभी सोचो आपके पास 250 HP है एंड सामने वाले बंदे के पास 200 HP, तो आपके पास ज्यादा एडवांटेज है फाइट को जीतने का। एंड इस कॉम्बो में हमें लास्ट कैरेक्टर रखना है जो कि इस कॉम्बो का मेन कैरेक्टर है, एंड वो है केली। देखो केली हमारे गेम का सबसे पुरानी कैरेक्टर्स में से एक है, एंड ये भी एक इलाइट कैरेक्टर है जिसके वजह से नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले ये ज्यादा पावरफुल है। केली कॉन्स्टेंटली आपका स्प्रिंटिंग स्पीड को 6% बढ़ा देती है जिससे आप नॉर्मल प्लेयर से ज्यादा स्पीड से मूवमेंट कर पाते हो, जो कि फुल मैप में जोन क्रॉसिंग, रस एंड एनिमी से बचने के लिए आपको मदद करेगा। एंड केली के पास एक और सीक्रेट एबिलिटी भी है। केली कैरेक्टर लेकर आप 4 सेकंड भागने के बाद जब भी आप रुक कर पहला गोली किसी बंदे को मारोगे तो उस गोली का डैमेज 106
6% ज्यादा पड़ेगा बंदे के ऊपर। ओके, नेक्स्ट कॉम्बो हमारा होने वाला है ग्रेनेड कॉम्बो। अगर आप एक नेडर हो जिसको ग्रेनेड करके बंदों को मारना पसंद है, देन ये वाला क्रोनो का कॉम्बो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसमें क्रोनो के बाद सेकेंड कैरेक्टर नो डाउट आपको एल्वारो रखना है। देखो एल्वारो क्या करता है, एक्सप्लोसिव डैमेज लाइक ग्रेनेड का डैमेज को 20% बढ़ाने के साथ साथ ग्रेनेड फटने का रेंज को 10% बढ़ा देता है, जिससे आप एक ग्रेनेड से एनिमी के खानदान को उड़ा सकते हो। एंड अगर आप एल्वारो को इलाइट करके रखे हो तो और भी बढ़िया, एनिमी आपका ग्रेनेड से बच पाना नामुमकिन है। एंड इस कॉम्बो में एल्वारो के बाद आपको रखना है सीरू। अभी सीरू को ही क्यों रखना है, और भी तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं। देखो सीरू को यूज करने का फायदा ये है, अगर कोई बंदा आपको डैमेज देता है तो उसका लोकेशन सीरू आपको दिखा देता है। एक से ज्यादा बंदे भी आपको मारने पर सीरू सभी के ऊपर टैग लगा देता है। सिंपल बात है यार, जिससे आपको आसान होगा उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक कर उनको मारने के लिए। एंड इस कॉम्बो का लास्ट कैरेक्टर जो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड वो है ओथो कैरेक्टर। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। देखो ओथो को इस कॉम्बिनेशन में रखने से अगर आप किसी बंदे को ग्रेनेड फेंक कर नॉकडाउन करोगे तो उसके आसपास वाले एनिमी मार्क हो जाएंगे एंड उनका मूवमेंट 4 सेकंड के लिए 25% कम हो जाएगा, जिससे आप उनके ऊपर रस करके उनको खत्म कर पाओगे। है ना खतरनाक। तो यार ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।